तो आप इस वीडियो में देखने वाले कृष्णा यूनिवर्सिटी के बारे में सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, हर एक प्रोसेस के बारे में। चलिए देखते हैं क्या कैसे किस तरह से आपकी कितनी स्कोर कार्ड वैलिड होगी, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस कहाँ पे मिलेगी, तो आपका रिजल्ट वगैरह कहाँ पे, फिर मेरिट लिस्ट, फिर क्या प्रोसेस होगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो के थ्रू स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप कंप्लीट कर पाते हैं। तो कृष्णा यूनिवर्सिटी एडमिशन जो होता है, तो एप्लीकेशन फॉर्म तो पहला प्रोसेस होता है जो कंप्लीट करनी पड़ती है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, इंपॉर्टेंट जो डेट्स होती हैं कि देखने कैसे होते हैं, किस तरह से सारी चीज़ें होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पैटर्न्स, सिलेबस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हर एक बच्चों को उस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कृष्णा यूनिवर्सिटी 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ किया जाएगा, जल्दी के लिए किया जाएगा, अभी नहीं किया गया। तो यहाँ पर KRUCET जैसे शॉर्ट नेम में बोला जाता है, कृष्णा यूनिवर्सिटी वॉज रिकोगनाइज इन मचिलापत्तनम, ओके, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये जो यूनिवर्सिटी है आंध्र प्रदेश में, कब से, 2008 से, ओके, थ्रू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इट ऑफर एडमिशन इन वेरियस कोर्सेज के लिए, ये आपको एडमिशन दे रहा है, बट वेरियस कोर्सेज होता है ऑफ यूजी कोर्सेज में, BSc, BCom, BA, BCA, BBA, PG कोर्सेज, MA इंग्लिश, MA तेलुगू, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फार्मिस वगैरह रिलेटेड है, तो सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, यू कैन अप्लाई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या सारी चीज़ें दी गई है, कृष्णा यूनिवर्सिटी 2022 नोटिफिकेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कब क्या होती है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, यूनिवर्सिटी नेम कृष्णा यूनिवर्सिटी, फुल फॉर्म क्या है कृष्णा यूनिवर्सिटी, कोर्स कौन सा ऑफर कर रहा है आपको, UG, PG, डिप्लोमा इन अदर कोर्सेज आपको ऑफर करता है ये। एप्लीकेशन मोड देख सकते हैं, ऑनलाइन है, एग्जाम मोड भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको बता दिया गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर आपको इवेंट्स बताएं, डेट बताएं, तो यहाँ पर डेट ऑफ नोटिफिकेशन देख सकते हैं, अभी आपके अवेलेबल कभी होंगे एप्लीकेशन फॉर्म, लेट फीस का सारा डेट आपको यहाँ पर पता चलता है। तो इस पेज पर भी आप हेल्प ले सकते हैं, मतलब अभी इस पेज पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको रिलेटेड मिल जाएगी इस चीज़ के, तो यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं। अभी एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म पहला प्रोसेस होता है हर एक बच्चों का, तो जिसमें आप अप्लाई करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट लॉगिन करके। तो ऑफिशियली आप क्या करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करेंगे जो ऑनलाइन मोड से कंप्लीट करना पड़ेगा या फिर ऑफलाइन, डिपेंड करता है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सब कुछ कर लेना होगा, उसके बाद आपका जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या कर पाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। फिल करने के बाद, सबमिट करने के बाद, आपको एप्लीकेशन फॉर्म के फीस वगैरह ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने देखा नहीं है तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो लाइफ साइंस, यहाँ पर MSc बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। ओके, तो हर एक के लिए अलग अलग यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी सेट किया गया है। तो MSc जूलॉजी के लिए यहाँ पर आपको बता दिया गया सब्जेक्ट कौन सी होनी चाहिए, उन सब के लिए सब्जेक्ट 12th में ये सारे सब्जेक्ट होनी चाहिए, जूलॉजी का तो जूलॉजी होनी चाहिए, बोटेनी का है तो बोटेनी और केमिस्ट्री, 2 कॉमन कोर सब्जेक्ट यहाँ पर बोला गया, तो ये सारी चीज़ें आप देख पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिजिक्स के लिए बताया गया, और यहाँ पर मैथमेटिक्स के लिए बताया गया, केमिकल के लिए बताया गया, सोशल साइंस के लिए बताया गया है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एनी ग्रेजुएट, तो सबके लिए यहाँ पर बोला गया है, सबके लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एनी ग्रेजुएट के लिए 50% मार्क्स यहाँ पर BA, BSc कोर्सेज के लिए जो रहेगा स्पेशलाइजेशन पेपर, 50% मार्क्स सिक्योर करनी है ताकि आपको सीट्स यहाँ पर मिल जा सकते हैं। यहाँ पर सोशल वर्क एनी ग्रेजुएट सब कुछ यहाँ पर आपको अच्छे से मेंशन किया गया, हर एक कोर्स के लिए कितना क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री बैंकिंग के लिए एनी डिग्री यहाँ पर चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज कौन सा है, 10th क्लास का या फिर क्या, एक्सलेंट वूमेन, जो भी बहुत सारी चीज़ें सर्टिफिकेट्स आपके पास होनी चाहिए। ओके, ये बहुत सारी आपकी एलिजिबिलिटी जो सेट किया गया है, ये आप हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग है, तो देयरफॉर आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया गया, आपके 100 ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, सेक्शंस बहुत सारे रहेंगे, सेक्शन विल बी ब्रिंग 30 मार्क ईच, सी सेक्शंस विल बी 40 मार्क्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ओमान सेट रहते हैं। हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करनी होती है, यहाँ पर आपको बताया गया, नोटिस ऑल द पर्टिकुलर्स ऑफ द सिलेबस सेट बाय द अथॉरिटी के थ्रू, स्ट्रेटजीज देख सकते हैं, योर एजेंडा अलॉन्ग विथ योर सिलेबस, प्रोवाइड इक्विवेलेंट टाइम ऑफ द सब्जेक्ट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने बोला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया, विल बी रिलीज सून फॉर द KRUCET एडमिट कार्ड, इज रिक्वायर्ड टू बी डाउनलोड थ्रू द वेबसाइट, इजीली कर सकते हैं आप। स्टेप क्या डाउनलोड करने का, यहाँ पर देख सकते हैं, गेट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट नाउ, प्रोवाइड नेसेसरी डिटेल फॉर द डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड लाइक रजिस्ट्रेशन नोन पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं रिजल्ट कब आएगा, अब रिजल्ट जब भी डेट आएगा उसका डेट आपको मिल जाएगा, बट आपको रिजल्ट कहाँ में मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर डिक्लेयर किया जाएगा, वहाँ पर रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं,
यूनिवर्सिटी, वहीं पे आपको पीडीएफ फॉर्म में रिलीज़ कर दी जाएगी, वहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। वहाँ पे पासवर्ड, हॉल टिकट नंबर या फिर कुछ तो लगेगा, रजिस्ट्रेशन पासवर्ड, आईडी, ये सारी चीज़ें लगती हैं। स्टेप डाउनलोड करने के यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप परफॉर्मेंस अच्छा है, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। नेक्स्ट प्रोसेस है मेरिट लिस्ट रिलीज़ होती है, जिसमें आपका नाम आया हुआ है, सो दैट आपको काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी ना। तो ये इस प्रोसेस में ये होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होते हैं, एडमिशन क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, और थर्ड जो होता है आपका एडमिशन फीस वगैरह होता है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस आपको हर एक बच्चे को कंप्लीट करनी पड़ती है। तो जब वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है ना, तो वहाँ पे आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ एज़ पर द शेड्यूल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चाहिए होती है, तो आपको देखना पड़ेगा क्या क्या चाहिए, मेरिट लिस्ट के बाद आपको पता चलेगा। तो ये सारे काउंसलिंग प्रोसेस है, जिसमें आपको समझना चाहिए किस तरह से प्रोसेस कंप्लीट करनी है, हर एक चीज़ें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक बच्चों के लिए। तो ये प्रोसेस थे, ठीक है। तो स्टार्टिंग से मैंने आपको सारे प्रोसेस बता दिए हैं। ओके, फर्स्ट आपके एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सेट किया गया है, लाइफ साइंस के लिए यहाँ पर, फिजिक्स, फिजिकल साइंस के लिए यहाँ पर सेट किया गया, मैथमेटिकल के लिए यहाँ पर है, केमिकल साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए है, और जर्नलिज्म, मास मीडिया, बहुत सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर साइंस सेट किया गया है। क्या चाहिए होता है, सर्टिफिकेट कौन सा कोर्स यहाँ पर चाहिए होता है, कृष्णा यूनिवर्सिटी एग्जाम पैटर्न के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर कृष्णा यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पर बताया गया। सो ये काफ़ी ईजी है। तो ये सारी चीज़ देखने के बाद आपको एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया है, एडमिट कार्ड विल बी रिलीजिंग सून फॉर KRU CET के बारे में यहाँ पर बोला गया। नाउ एडमिट कार्ड इज़ रिक्वायर्ड टू बी डाउनलोड थ्रू द वेबसाइट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप टू डाउनलोड करने का, यहाँ पर रिजल्ट आपको दिखता है। तो ये सारे जो प्रोसेस थे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिए हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। एडमिशन फीस वगैरह काउंसलिंग रिलेटेड है सारी चीज़ें, मिनिमम कितना परसेंटेज चाहिए, तो आप यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस में प्रोसेस कंप्लीट कर पाओगे। तो कंफर्मेशन हो जाने के बाद, आपका पेमेंट वगैरह हो जाने के बाद, आपको क्या करनी पड़ेगी प्रोसेस, फीस वगैरह जो फीस रहता है वो फीस तो कंप्लीट करनी पड़ेगी ना, ठीक है। ओके, अगर आप फीस नहीं कंप्लीट करेंगे तो फिर आपको सीट अलॉटेड लेटर और कॉलेज अलॉटेड लेटर नहीं मिलता है ना, तो वो चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद ही आप क्या कर पाएंगे, वो स्टेज पर पहुंच पाएंगे, फिर उसके बाद आपका आगे का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इतना प्रोसेस आपको एडमिशन के लिए करनी पड़ेगी। तो ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे तो आपका हो जाएगा कंफर्म। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू बच्चों।